बच्चों आज हम आपको बताएंगे भाषा के कौशल सुनना। ये देखो भाषा के कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जो सुनना और बोलना होता है ये होते हैं मौखिक कौशल, और जो पढ़ना और लिखना होता है इनको क्या बोलते हैं? लिखित कौशल। इनको मौखिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर कोई बोलेगा तभी हम सुन पाएंगे, और जब हम बोलेंगे तभी अगला सुन पाएगा। तो बोलना ही दोनों में आता है, दोनों में बोलना ज़रूरी है। तो मौखिक हो गए, पढ़ना यानी कि जो लिखा होगा वही हम पढ़ते हैं, और ये जो लिखित कौशल है इसमें लिखना भी आता है क्योंकि हम लिखेंगे तभी अगला पढ़ पाएगा। ओके बच्चों, अब देखते हैं हिंदी का ये आगे का चैप्टर है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ये वर्ण। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछ ले तो वर्ण होती है। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये छोटी छोटी ध्वनि भी बोलते हैं इसको, इकाई या ध्वनि। और इन्हीं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों के समूह हैं उनको क्या बोलते हैं? वर्णमाला। और वर्णों को अक्षर भी बोलते हैं। ओके बच्चों, अगर वर्णों के लिए अक्षर आ जाए तो वर्णों को अक्षर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11। ए आ ई ई ऊ ऊ री ए ऐ ओ औ। और इसमें अनुस्वार है अंग, बोलते हैं ना दंत, विसर्ग ए, जैसे अंत प्रात्य। ओके बच्चों, ये किसके भेद हैं? वर्ण के भेद हैं ये दोनों, स्वर और व्यंजन। व्यंजन होते हैं 33। कौन कौन से होते हैं? क ख ग घ ड, ये होते हैं कैवर्ग। च छ ज झ ञ, चवर्ग। ट ठ ड ढ ण, टवर्ग। त थ द ध न, तवर्ग। प फ ब भ म, पवर्ग। यानी कि ये इनके अलग अलग वर्ग हैं और ये इसमें आते हैं। क वाली पूरी लाइन क वर्ग में, च वाली पूरी च वर्ग में, ये सारी ऐसे ही आती है। ट वाली ट वर्ग में, थ वाली पूरी लाइन तय वर्ग, प वाली प वर्ग में। और जो इनके नीचे बिंदी लग जाती है ना, डै के और ढै के, ये विशेष व्यंजन होते हैं। ये है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। ओके, उष्म कौन से होते हैं? श स स है। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ और ये श्र, ये है संयुक्त व्यंजन क्योंकि ये कई अक्षरों से मिलकर बनते हैं। आगत वर्ण, आगत कौन से होते हैं? ओ ज फ, ये आगत होते हैं। ओके बच्चों, और जैसे कॉलेज, डॉक्टर, इस तरह के शब्द जो बनते हैं इसके ऊपर ऐसे होते हैं ना, ये लगी हुए ऐसे मात्रा आगत होती है वो। अब स्वरों की परिभाषा पढ़ते हैं। जिन वर्णों के स्वर को क्या बोलते हैं? वोवल। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना रुकावट के निकले, यानी कि हवा निकलती है बिना रुकावट के, उन्हें स्वर बोलते हैं। और जहाँ पर रुकावट होती है उन्हें व्यंजन बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके भेद कितने हैं? दो हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ओके बच्चों, बाकी हम आगे करेंगे आगे वाले।